Exercise 2.5, question 1, part 1. Use suitable identity to find the following products. X plus 4 into X plus 10. तो हमें identity कौन सी use करनी है? X plus A into X plus B is equal to X square plus A plus B into X plus AB. अब हमने ये कैसे डिसाइड किया कि यही आइडेंटिटी यूज करनी है? अगर हम यहां ध्यान दें तो ये वेरिएबल है X, that is same in both the terms. फिर यहां अलग अलग वैल्यूज हैं A और B, और दोनों X के साथ प्लस में हैं. तो हमने यहां से डिसाइड किया कि इसमें ये वाली आइडेंटिटी यूज होनी है. बस अब तो सिंपल है, यहां पर हमारे A के क्या वैल्यू है? A की वैल्यू 4 है और B की वैल्यू 10 है. बस जहां जहां A है वहां वैल्यू 4 पुट कर देंगे, जहां जहां B है फॉर्मूले में वहां वहां हम वैल्यू 10 पुट कर देंगे. X स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 इंटू X प्लस 4 इंटू 10. सो आफ्टर सॉल्विंग इट we will get x square plus 14x plus 40. So this is the answer. Exercise 2.5, question 1, part 2. X plus 8 into x minus 10. Same identity. X plus a into x plus b is equal to x square plus a plus b into x plus ab. तो यहां से हमें values पता चल जाएंगी, a की क्या value है 8 and b की value minus 10. तो हम से formula में put करेंगे, हम इन a और b की values को इस identity में put करेंगे. तो हमें क्या मिलेगा? x स्क्वायर प्लस 8 की क्या वैल्यू है 8 प्लस b की क्या वैल्यू है माइनस 10. ध्यान रखिएगा ब्रैकेट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, उससे साइन में मिस्टेक नहीं होगी. a इज 8 एंड b इज माइनस 10. Let's solve it. X square plus 8 plus minus minus into X. Product of plus 8 and minus 10 is minus 80. तो यहां क्या आंसर आया? X square plus minus क्या होगा? Minus sign किसका? बड़े नंबर का. तो हमारा यहां पर क्या आंसर आएगा? Minus 2X. Then minus 80. So this is our answer. Question 1 part 3. 3x plus 4 into 3x minus 5. तो इसमें भी वही identity use होगी. X plus a into x plus b that is equal to x square plus a plus b into x plus ab. हमारे यहाँ question में x की क्या value है? 3 है. a की value 4, b की value minus 5. तो अब हम इन वैल्यूज को आइडेंटिटी में पुट करेंगे. तो x स्क्वायर की जगह क्या आ गया? 3x स्क्वायर. अब a प्लस b, हमारे a की क्या वैल्यू? 4. देन b की वैल्यू माइनस 5 इंटू एक्स दैट इज 3x प्लस 4 इंटू माइनस 5. सो इट बिकम्स 9x स्क्वायर. यहां पर ध्यान रखना है कि स्क्वायर करते टाइम सिर्फ x का स्क्वायर ना ले, 3 का भी स्क्वायर लेना है क्योंकि वो होल का स्क्वायर है. बच्चे यहां गलती करते हैं, वो यहां लिख देते हैं 3x स्क्वायर, लेकिन यहां क्या आना है? 9x स्क्वायर प्लस इनटू माइनस 1 3x माइनस 20. देन इट बिकम्स 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20. दिस इज आवर आंसर.